हर एक एंगल से ओआर सोल गॉड लाइक तीनों टीम्स गोलियां बरसाते हुए नजर आएंगे केमिनी स्पोर्ट्स के ऊपर। बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकती है ये टीम। एट बिट ऑन द अदर एंड सेंट्रल एरिया में एक जोन का एक्सेस लेते हुए नजर आएंगे। जोनाथन एक नॉकआउट निकालते केमिनी स्पोर्ट्स के रॉबिन के ऊपर, लेकिन इमीडिएटली गॉब्लिन का ये हायर ग्राउंड जोनाथन को वो पछाड़ के रखते हैं। नियो को भी यहां पर नॉकआउट किया गया है। गॉडलाइक के लिए दिक्कतें और बढ़ती हुई। अक्षत फिनिश पॉइंट निकाल जाएंगे रॉबिन का, गॉब्लिन फिनिश पॉइंट निकालते हैं जोनाथन का। एक एक करके बात करें तो टीम गॉडलाइक के खिलाड़ी यहां पे बाहर होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है गॉब्लिन के पास जो हाइट का एडवांटेज यहां पे मिला उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं गॉडलाइक के जो दो खिलाड़ी वो पत्थर के पीछे है। 29 सेकंड का वक्त बचा हुआ, उसके बाद इनको आगे जाना ही पड़ेगा ना चाहते हुए, और ये जर्नी बहुत महंगी पड़ने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मार्कुस के खिलाड़ी ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ कुछ अच्छे ग्रेनेड थ्रो करें, कनेक्शन वहां पे मिल जाने वाला है। साथ ही साथ हेक्टर की भी यहां पे जो पारी है वो देखते हैं कितने फिनिश पॉइंट निकाल पाएंगे, क्योंकि टोटल चार फिनिशेस हम देख पाएंगे। लेकिन इसी बीच एमजे की तरफ से स्प्रे ओमेगा को डाउन करेंगे, जी गॉड को भी सामने से, निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ी डैमेज देते हैं, क्लच गॉड भी बहुत ज्यादा मुश्किल में, और केवल 3 सेकंड है जिसके साथ हमें पता चलेगा कि क्या टीम गॉडलाइक यहां से आगे बढ़ेंगे या फिर और भी बाहर होते देखने। टीम गॉडलाइक सोल दोनों को जोन के अंदर आना है, बट हेक्टर देखिए आई बिलीव उनके जो 5.56 एमिनेशन है वो काफी लो हो चुका है। अभी यूएमपी से स्प्रे देते हुए नजर आएंगे क्लच गॉड, फिलहाल के लिए एरेंगेल में वापस से फर्स्ट स्टेज के साथ हील बैटल करते हुए नजर आएंगे। रुको जरा, सबर करो। आएंगे ओमेगा को फिनिश हुआ किया जाता है एंड वो नॉकआउट रिकवरी नहीं हो पाई, इसी कारण वो फिनिश अप होते हुए नजर आए। लेकिन जोन के बाहरी एरिया से भी जोन में जाना मुश्किल रहेगा, गाड़ियां टक्कर यहां पर खाते हुए नजर आएंगे। क्लच गॉड को केमिनी स्पोर्ट्स के जस्टिन पिक ऑफ करते हैं एंड इसी के साथ साथ हमें एलिमिनेशन गॉडलाइक का देखने का मौका मिलेगा। 8 फिनिश पॉइंट के साथ साथ सोल, व्हाट अ ब्लंडर फ्रॉम टीम सोल। जोन के अंदर तक नहीं आ पाई ये टीम, जोन के बाहर टक्कर खाती गई इनकी गाड़ियां।